हाय फ्रेंड, यह है जानी मानी मित्र हेमा मालिनी। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1948 को शनिवार को मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुचिरापल्ली जिले के एक तमिल भाषी परिवार में तीसरी संतान के रूप में हुआ था। इनकी माँ जयालक्ष्मी चक्रवर्ती एक फिल्म निर्माता थी। एक्टिंग करियर की शुरुआत करने के लिए इन्होंने 12वीं की पढ़ाई छोड़ दी थी। इन्होंने 1961 में एक तमिल फिल्म में एक नर्तकी के रूप में अपना सह करियर की शुरुआत की है। 1964 में इन्होंने एक तमिल फिल्म में निर्देशक सीवी श्रीधर ने इन्हें बहुत पतले होने के कारण रिजेक्ट कर दिया था। वह पहली बार 1963 की तमिल फिल्म इधु साथियाम में एक नर्तकी के रूप में दिखाई दी। 1968 में इनकी पहली बॉलीवुड फिल्म सपनों का सौदागर बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। यह 1976 और 1980 तक सबसे अधिक वेतन पाने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री रही। 1977 में इसी नाम से की एक फिल्म में अभिनय करने के बाद उन्हें ड्रीम गर्ल की उपाधि मिली। वह धर्मेंद्र के साथ 35 फिल्मों में दिखाई दी है और इनके साथ पहली फिल्म 1970 में सराफत थी। अनुभवी अभिनेता संजीव कुमार का हेमा मालिनी पर क्रश था और इन्होंने हेमा को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जितेंद्र का इस्तेमाल किया। आखिरकार हेमा जितेंद्र को पसंद करने लगी और उन्होंने संजीव कुमार को छोड़ दिया। शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया और सूत्रों के मुताबिक वह शोले के सेट पर स्पॉट बॉयज को बार बार लाइट बंद करने के लिए रिश्वत देते थे ताकि वह हेमा के साथ दोबारा काम कर सके। उन्हें एक ड्रेस सेटर माना जाता था है क्योंकि उन्हें उन पहली कुछ अभिनेत्रियों में गिना जाता है जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर वेल बॉटम्स पहनना शुरू किया। इन्होंने शाहरुख खान की पहली फिल्म दिल आसना है का निर्देशन किया था, हालांकि यह दीवाना के बाद रिलीज हुई। यह एक उत्साही पशु प्रेमी और पेटा इंडिया की समर्थक हैं। इन्होंने 2009 में मुंबई म्यूनिसिपल कमिश्नर को पत्र लिखकर घोड़ा गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। 2011 में इन्होंने जल्लीकट्टू बुल फाइटिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए जयराम रमेश तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री को भी पत्र लिखा। हेमा मालिनी एक शुद्ध शाकाहारी हैं और यह कहती हैं कि यह जानकर कि मेरे भोजन के